हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पेठा। पेठा आगरा की फेमस मिठाई है। इसको विंटर मिलन और एस ग्रांड भी बोलते हैं। इसे हम 500 ग्राम ही यूज करेंगे। 150 ग्राम चीनी, एक चम्मच चूना, ये खाने वाला चूना है, इस पान की दुकान पर आसानी से मिल जाता है ये। और पानी में इसको डाल के हम रखेंगे, इसलिए पानी का यूज करेंगे। अभी सबसे पहले हम इसको सर्कल में काट लेंगे। एकदम से गोल काटना है हमें, काफी हार्ड होता है इसकी स्किन। अभी जो इसका ये पार्ट है बीज वाला, इसको हम इस तरह से हटा देंगे। सॉफ्ट पार्ट सारा निकालना है हमें। इसको निकाल के अलग कर देंगे। सभी बीज वाला पार्ट निकाल देंगे इस तरह से। सॉफ्ट, देखिए ये वाला सॉफ्ट पार्ट जो होता है बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर ये पार्ट रह गया तो हमारी चीनी अच्छे से इसमें सोक नहीं करेगी। अभी हम इसको पीसेस में काट लेंगे जिस साइज के हमें पेठे के पीसेस चाहिए। ध्यान से काटिए, काफी हार्ड होता है। और इसका जो ये छिलका है इसको छिलके अलग कर देंगे। ग्रीन पार्ट बिल्कुल हटाना है हमें। पेठा बनाना बहुत ही आसान है, बस इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है हमें। इसमें बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सभी पीसेस से हमने छिलका अलग कर लिया है, उसका सॉफ्ट पार्ट भी निकाल के अलग कर दिया है। और अभी हम पानी में एक चम्मच चूना डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। चूना पानी में अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी जो ये हमने पीसेस काटे हैं इसमें हमारा अभी थोड़ा थोड़ा पार्ट और हमको सॉफ्ट दिखाई दे रहा है, देखिए इसको भी अलग कर देंगे इस तरह से। यहाँ से बिल्कुल सॉफ्ट पार्ट नहीं रहना चाहिए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा वाइट पार्ट लग रहा है, इसको एकदम से अलग करना है। ये इसकी मेन ट्रिक है। अगर हम इसको अच्छे से ऐसे इस तरह से नहीं साफ करेंगे तो चीनी पीसेस के अंदर अच्छे से नहीं जाएगी, सोख नहीं होगी। इस तरह से काट लेंगे इसको, देखिए सब पार्ट है। ये पार्ट हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये टूथ पिक ली हमने यह लिया, इसको इससे छेद कर देंगे, इस तरह से होल कर देंगे चारों तरफ सभी पीसेस पे
चारों तरफ इस तरह से होल कर देंगे। और इसको पानी में डाल, सभी पीसेस को हमने पानी में डाल दिया है। अब इसको हम 8 घंटे के लिए रख देंगे। 8 घंटे में हमारे पीसेस सॉफ्ट हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे, उसके बाद हम इसका पेठा बनाएंगे। आठ घंटे के लिए हमने पेठे के टुकड़ों को, पीसेस को चूने के पानी में रखा था। अभी इसको 4 बार हम अच्छे से धुलेंगे साफ पानी में। इसको 3-4 बार अच्छे से धो लें। 4 बार हमने इसको पानी में धो लिया है। अभी हम इसको 5 मिनट पानी में उबालेंगे। ये 3 कप पानी हमने रख दिया है भगोने में, इसको इसमें डाल देते हैं। पांच मिनट तक हमने इसको बॉईल कर लिया है। अभी इसको ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि इसका जो कुकिंग का प्रोसेस था एकदम से यहाँ पर ही शांत हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सभी पीसेस को हमने ठंडे पानी में डाल दिया था, अभी इसको निकाल लेंगे जाली में ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। पानी से हमने इसको निकाल लिया है, अभी इसको हम एक बर्तन में डाल देंगे, उसके ऊपर से चीनी डाल देंगे। ये 150 ग्राम चीनी हमने ली थी। इसको 1 घंटे के लिए ढक के रख देंगे ताकि चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। एक घंटा हमने इसको चीनी डाल के रख दिया था। अभी इसको 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर, धीमी गैस पर हम इसको चीनी सूखने तक पका लेंगे। चाशनी खत्म होने तक हमने इसको पका लिया है। अभी इसको एक जाली में निकाल लेंगे और 6 घंटे के लिए पंखे के नीचे सुखा लेंगे। इसको हम 6 घंटे के लिए पंखे के नीचे सुखा लेंगे, उसके बाद हमारा पेठा बन करके तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, सूखने के बाद हमारा पेठा इस तरह का हो जाएगा। इसे आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।